हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास सिक्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी विल स्टडी चैप्टर नंबर सिक्स, सब्जेक्ट इज MSc, चैप्टर नेम इज ह्यूमिलिटी। आज हम MSc का चैप्टर नंबर सिक्स पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब विनम्रता। सो लेट्स वी स्टार्ट टुडे चैप्टर। अ जिराफ एंड ए गोट वर टू फ्रेंड। एक जिराफ और एक बकरी दो अच्छे दोस्त थे। वन डे दे हैड एन आर्ग्यूमेंट। एक दिन उन दोनों के बीच में बहस हो गई। द जिराफ सेड टू द गोट। जिराफ ने बकरी से कहा, आई एम टॉल एंड नथिंग इज बेटर देन बींग टॉल। मैं बहुत ऊंचा हूँ, लंबा हूँ, और ऊंचाई से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। द गोट रिप्लाइड, आई एम शॉर्ट एंड नथिंग इज बेटर देन बींग शॉर्ट। मैं छोटी हूँ और छोटी मतलब शॉर्ट छोटेपन से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। छोटे होने से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। ऑन हियरिंग दिस द जिराफ लव्ड एंड सेड। ये सुनने के बाद जो जिराफ होता है वो हंसता है और कहता है, इफ़ यू कैन प्रूव वट यू से, अगर तुम ये प्रूव कर दो जो तुमने कहा है कि छोटे होना ज़्यादा अच्छा है, आई विल गिव अप माई टेल, मैं तुमको अपनी पूँछ दे दूँगा। ऑन हियरिंग दिस द गॉट ऑल्सो सेड। यह सुनने के बाद जो बकरी होती है वो कहती है, इफ़ आई फेल टू प्रूव वट आई से, अगर मैं यह प्रूव करने में फेल हो गई कि जो मैंने कहा है कि छोटा होना ज़्यादा अच्छा है, आई विल गिव अप माई स्नाउट, तो मैं अपना जो मुख है, जो स्नाउट है, स्नाउट का मतलब होता है मुख, आगे का हिस्सा, मुँह के आगे का हिस्सा, वो तुमको दे दूँगी। दे बोथ एग्रीड एंड स्टार्टेड वॉक टूगेदर। वो दोनों शर्त लगती है उनमें और दोनों तैयार हो जाते हैं और वहाँ से धीरे धीरे आगे चलने लगते हैं। दे रीच्ड ए गार्डन। वे गार्डन की तरफ चलते हैं, विच वॉज एनक्लोज बाय अ लो वॉल, जो जिसके चारों तरफ एक छोटी सी दीवार होती है। डिड नॉट हैव एनी एंट्री गेट, और उसका कोई भी एंट्री गेट, अंदर घुसने का कोई भी रास्ता नहीं होता, और जो दीवार होती है वो छोटी होती है। द जिराफ स्टूड आउटसाइड द गार्डन एंड रेडीली प्लक द लीव्स फ्रॉम द टॉल ब्रांचेज ऑफ द ट्री। जो जिराफ होता है उस बगीचे के बाहर खड़ा हो जाता और जो ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, पेड़ों की जो टहनियाँ होती है, उनकी पत्तियाँ खाने लगता है। विद द हेल्प ऑफ हिज लॉन्ग लेग, अपनी लंबी गर्दन से वो उस पेड़ की, जो लंबे पेड़ होते हैं, उनकी पत्तियाँ खाने लगता है। एंड द स्टार्टेड ईटिंग देम। देन ही टर्न टूवर्ड द गोट एंड आस्क्ड, नाउ वट वुड यू लाइक टू बी, टॉल और शॉर्ट। वो उन पत्तियों को खाने के बाद उस बकरी की तरफ मुड़ता है और उससे पूछता है, कहो अब क्या कहोगे तुम, क्या ज़्यादा अच्छा है, लंबा या छोटा। द गॉड डिड नॉट से एनीथिंग, जो बकरी होती है वो कुछ नहीं कहती। दे कंटिन्यूड वॉकिंग, वो वहाँ से लगातार चलने लगती है। एंड केम टू द अनदर गार्डन एनक्लोज बाय अ हाई वॉल, और एक दूसरे गार्डन की तरफ, बगीचे की तरफ जाते हैं जिसके चारों तरफ बहुत ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं। एज दे वॉकड अराउंड इट, जब वो उसके चारों तरफ, बगीचे के चारों तरफ घूमते हैं, द गॉड सॉ एन एज ऑफ द गार्डन विच वॉज फेंस्ड विद द बैम्बू स्टिक। वो देखती है कि उस बगीचे में एक दीवार होती है जिस जो बैम्बू लकड़ी की स्टिक से बनी हुई होती है। द गॉट एंड द जिराफ ट्राइड हार्ड टू मेक द देयर वे थ्रू। जो गॉट, जो बकरी और जिराफ होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह से उस में से रास्ता बन जाए। द बम्बू स्टिक वर बाउंड सो फर्मली दैट द जिराफ कुड नॉट पुश देम टू मेक हिज वे। जो बम्बू स्टिक होती हैं, जो बांस की जो लकड़ियाँ होती हैं, वो इस तरह से अच्छी तरह से बंधी होती हैं जिससे कि जिराफ जो है उसमें से रास्ता नहीं बना पाता। द गोट ऑन द अदर हैंड फाउंड ए स्मॉल वीक स्पॉट एट द बॉटम। लेकिन जो बकरी होती है उसको नीचे की तरफ एक छोटा सा कमज़ोर छेद दिख जाता है, वो उसको तोड़ती है एंड मेड हर अवे, और अपना रास्ता वहाँ से बना लेती है। यानी कि जो बम्बू स्टिक होती हैं वो इतनी बड़ी होती हैं कि जिराफ उसमें से रास्ता नहीं बना पाता, लेकिन जो बकरी होती है वो उसमें से छोटे सा छेद मिल जाता है उसको, और उसको तोड़ के वो उसमें से अंदर जाने का रास्ता बना लेती है। शी एंटर्ड द गार्डन एंड एट ऑल द वेजिटेबल शी कुड। वो उस बगीचे के अंदर घुस जाती है और वहाँ पर हरी सब्जियाँ, जो वेजिटेबल्स होती हैं, उनको खाती है जितना वो खा सकती है। शी रैलीज द वेजिटेबल, वो सब्जियाँ खा के बड़ी खुश होती है। एंड एट अंटिल शी वॉज सेटिएटेड, और तब तक खाती है जब तक उसका पेट नहीं भर जाता। शी केम आउट एंड लुक्ड एट द जिराफ, वो बाहर आती है और जिराफ की तरफ देखती है। हु स्टूड आउटसाइड, जो अभी भी बाहर खड़ा था, बिकॉज ही वॉज टू टॉल टू एंटर द गार्डन, क्योंकि वो इतना लंबा होता है जिससे वो अंदर नहीं जा सकता।
तो वो बाहर ही खड़ा होता, तो जो बकरी होती है वो बाहर आती है और उसकी तरफ देखती है। द जिराफ वाज माउथ वाज वाटरिंग एट द साइट ऑफ ऑल द फ्रेश वेजिटेबल लुक्ड एट द गोट सैडली। तो जिराफ होता है उसके मुंह में पानी आ रहा होता है उन हरी सब्जियों को देख के। द गोट देन बकरी बाहर आती है और उससे कहती है, नाउ वट वुड यू लाइक टू बी, टॉल और शॉर्ट, अब बताओ तुम क्या ज़्यादा अच्छा है, लंबा होना या छोटा होना। द जिराफ वाज स्पीचलेस, जिराफ कुछ भी नहीं बोलता। ही कुड नॉट रिप्लाई एंड हंग हिज हेड इन शेम, उसे अपने पर शर्म आती है, वो कुछ भी जवाब नहीं देता और अपना सर जो है शर्म से हिलाता है। दस द गॉड टॉट ए जिराफ ए लेसन फॉर ह्यूमिलिटी, इस तरह से जो बकरी होती है उस जिराफ को सबक सिखाती है विनम्रता का, कि हमें अपने जीवन में हमेशा विनम्र बनना चाहिए, हमेशा दूसरों की कभी भी बुराई नहीं करनी चाहिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या, एवरी वन इज़ यूनिक इन इज ओन वे, हर एक कोई अपने अपनी तरह से यूनिक है, यानी कि भगवान ने सबको अपनी अपनी कुछ काबिलियत दी है, किसी का भी हमें मजाक नहीं बनाना चाहिए। इसकी आपको एक्सरसाइजेज करनी है, ये जो आपको टिक राइट हैं, ट्रू फॉल्स हैं और ये फिलअप हैं, ये आप अपनी बुक में ही करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग आपको PDF में दे दिए जाएंगे, ये आप अपनी कॉपी में करेंगे। जो बुक का काम है वो बुक में ही करेंगे, जो कॉपी का काम है वो आप अपनी नोटबुक में करेंगे यानी कॉपी में करेंगे। तो इसके टिक राइट आप देख लीजिए। व्हाट लेसन डिड द गॉड टीच जिराफ, कौन सा लेसन गॉड ने बकरी ने जिराफ को सिखाया था, ह्यूमिलिटी का। ए जिराफ एंड ए गॉड वर फ्रेंड, दोनों जिराफ और गॉड थे वो दोस्त थे। व्हाट वुड द जिराफ गिव अप अकॉर्डिंग टू द चैलेंज, जिराफ चैलेंज के अनुसार जिराफ क्या देता है, अपनी पूंछ, टेल देता है। आफ्टर ब्रेकिंग द बम्बू स्टिक ऑफ द फेंस, व्हाट डिड द गॉड स्टार्ट ईटिंग, जो बम्बू बांस की जो दीवार होती है उसको तोड़ने के बाद जो लकड़ी होती, वो बकरी होती है, वो क्या खाती है, वेजिटेबल्स खाने लगती है। इसका ट्रू फॉल्स आपको करने है। द गॉड टॉट अ वेरी गुड लेसन ऑफ ह्यूमिलिटी टू द जिराफ, जिराफ को वो विनम्रता का पाठ पढ़ाती है। यस ट्रू, आई शैल गिव अप माई स्नाउट, गॉड सेड, गॉड कहती है मैं तुम्हें अपना मुंह दे दूंगी। यस ट्रू, द जिराफ इज शॉर्ट लाइक ए गॉड, जो जिराफ होता है वो बकरी की तरह छोटा होता है, गलत है। द गॉट एट लीव्स ऑफ द ट्री एंड द जिराफ एट वेजिटेबल, जो गोट होती है वो पेड़ की टहनियाँ पत्तियाँ खाती है और जो जिराफ होता है वो वेजिटेबल खाता है, गलत है। जिराफ पेड़ की पत्तियाँ खाता है और जो गोट होती है वो सब्जियाँ खाती है, तो इसमें फॉल्स आएगा। इसके आपको ट्रू फॉल्स भी करने, सॉरी वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। जिराफ एंड ए गोट वर हैविंग एन आर्गूमेंट, उन दोनों में बहस होती है। द बॉम्बू स्टिक वर वेरी फर्मली बाउंड आउट फॉर द जिराफ टू पुश एंड मेक हिज वे, तो जिराफ होता है वो बम्बू स्टिक को नहीं हिला पाता। द गॉड टॉट जिराफ ए गुड लेसन इन ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी में उसको वो पाठ पढ़ाती है। द कंटिन्यूड वॉकिंग, वो लगातार चलते रहते हैं और एक गार्डन के पास पहुँचते हैं जिसकी दीवारें ऊंची होती है। तो ये आप अपनी बुक में ही करेंगे, फिलअप ट्रू फॉल्स और टिक राइट आप बुक में करेंगे, क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग PDF में दे दिए जाएंगे, वो आप अपनी कॉपी में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।